नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं डॉक्टर राम सखा जी, प्रदेश प्रभारी बहुजन समाज पार्टी, प्रदेश महासचिव बहुजन समाज पार्टी। मैं आपको बता दूं, विधानसभा चुनाव के बस चंद दिन ही बचे हैं। बड़े नेताओं का दौरा यहां लगातार जारी है। अमित शाह के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के बाद कुमारी बहन मायावती जी बहुजन समाजवादी पार्टी की सर्वमान्य नेता, उनके आगमन की किस तरीके की तैयारी चल रही है डॉक्टर साहब? जी मानी जी, उनकी आगमन की तैयारी बहुत तेजी से चल रही है। ग्रास रूट तक हमारा पूरा जनता है, ग्रास रूट तक हम पूरी व्यवस्था कर रखे हैं। सारे लोग बहन जी के नाम से ही चलते हैं, जहां उनको पता चल जाता है किसी भी हालत में उनको दौड़ के इधर आना है। सारे लोग 23 तारीख को सुबह दोपहर 12 बजे किसी भी हालत में आ जाएंगे, क्योंकि पहली जो सभा हमारी बैंक वाली मायावती जी की है वो सिगरौली है, और 10 बजे सिगरौली चल के भाईयान विशेष विमान से पहले आई हैं खजुराहो। अभी खजुराहो का प्रोग्राम है, खजुराहो से जाने के बाद आज जो हमारा उधर मुरैना है, और आज मुरैना और दतिया में है, और कल फिर हमारे इधर पथरिया, और पथरिया से चल करके हमारा जो प्रोग्राम है इधर आएगी, तो दो प्रोग्राम वहाँ है हमारा, है ना। तो हम पथरिया करेंगे और शिवपुर में भी करेंगे। तो जो हमारा प्रोग्राम है वहाँ चलने के बाद, जो हमारा 23 तारीख को विशेष प्रोग्राम जो हमारा है, वो 23 तारीख को बहन जी चलेंगी, पहले जाएंगी कहाँ, सिंगरौली, और सिंगरौली के विशाल सभा को संबोधित करने के बाद फिर रीवा सतना का जो हमारा प्रोग्राम है, तो यस सर, ग्राउंड रीवा में हमारा प्रोग्राम होगा 23 तारीख को। बहुत बढ़ चढ़ की तैयारी होगी, और लाखों को दादरत में बहन जी को सुनने के लिए लोग आएंगे, और वो पूरी तैयारी हमारी हो चुकी है। अब वो आप प्रदेश के बड़े नेता हैं, प्रदेश में आप अपनी पार्टी की किस तरीके की स्थिति देख रहे हैं, खास तौर से विंध्य में आप क्या करने जा रहे हैं? विंध्य में तो वो तहलका मचेगा जो किसी को पता नहीं है, खासतौर पर जो स्थानीय मिनिस्टर है यही उड़ गए, क्योंकि इनके पास कुछ भी नहीं है। भाजपा की 15 साल की जो जनता है, जो सारी तरह से उग गई है कि कोई आदमी 15 साल तक इनको विधायक बना रखा, मंत्री बना रखा, कुछ भी काम नहीं हुआ, 1% काम नहीं हुआ, सिर्फ मोबाइल लेकर के बात करते रहे, मोबाइल के माध्यम से सारा काम चलता है, लोग जाते रहे, लेकिन इनको काम नहीं किया और चले गए। इस बात को जनता पूरी चिढ़ी हुई है, इनको बदलना चाहती है। आप भारतीय जनता पार्टी के पास फिर दो लोग भारतीय जनता पार्टी के दोनों हैं, एक भारतीय जनता पार्टी के अभय मिश्रा जी हैं, वो मानिए अभय मिश्रा जी उधर जो है सिमरिया में विधायक थे, वर्तमान में उनकी पत्नी भी विधायक रही, इसके बाद वर्तमान में इधर चल रहे हैं, अभी वर्तमान में वो अध्यक्ष भी हैं। वो जब इधर आए तो उन्होंने ये नहीं समझा कि मैं यहाँ आऊँगा तो फंस जाऊँगा, यहाँ बहुजन समाज पार्टी का बोलबाला है। वो ये देख के आए कि जो मुस्लिम टास्क है ये पूरी वोट हमें दे देगा, कांग्रेस का दे देगा, क्योंकि माई बात को कांग्रेस को समझता है। ये नहीं समझे कि ये जाए, ये भी बहुजन समाज पार्टी का जुड़ा हुआ सिंबल है, और खासतौर पर जो रीवा और सतना की स्थिति है, यहाँ का जो मुस्लिम समाज है मूवमेंट हमारे बहुजन समाज पार्टी से जुड़ा हुआ है, और जो मूवमेंट का आदमी है वो कहीं नहीं जा सकता, वो कांग्रेस और बिल्कुल नहीं देगा। आप इस बार कितनी सीटें जीतने जा रहे हैं? इस बार हम कम से कम 90 सीटें की हमारी टेकअप है, हमने 230 विधानसभा में हमने उम्मीदवार लड़ाया है, लेकिन 90 सीटें 80 से लेकर के 90 सीटें हमारी बहुत विनिंग सीट है, जिसको कोई नहीं हटा सकता। 89 सीट तो ऑलरेडी मीडिया के लोग ही कहते हैं कि 89 सीटों पे बहुजन समाजवादी टॉप कंडीशन में है, इस बार कुछ नए चेहरे को दिए हैं जो अपने बल से जीतेंगे, तो 116 बनाना संयोग नहीं होगा। अगर आप काफी मात्रा में विधायक जीत जाते हैं तो आप ये बताइए दर्शकों को, हमारे दर्शक हमारे ये जानना चाहते हैं, तो आप किस पार्टी से समझौता करने की स्थिति में होंगे? देखिए, हमारी पहली जीत हम किसी समझौता करना नहीं चाहते, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने हमें उल्लू बनाया और कहा कि भाई हम समझौता करना चाहते हैं, हम मिलकर के भाजपा के राज को, जंगल राज को हटाना चाहते हैं। ये बात को अपने पास आए, हम तो समझौता कर नहीं रहे थे, लेकिन आए, लेकिन वही छलावा, कांग्रेस छलावा कर रही थी कि बस 10 सीट ले लीजिए, 5 सीट ले लीजिए, हमारी सदस्यता को खत्म करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हम लोगों ने कहा नहीं, समझौता बराबर का होता है, बराबर का समझौता किए नहीं, न इनकी बात कमलनाथ जी की सेट हो पाई, न इनके प्रभारी बवरिया जी की, न उधर राहुल जी की, न सोनिया जी की, ये लोग सेट नहीं कर पाए। जब सेट नहीं कर पाए तो फिर बहन जी ने हमारे ये निर्णय लिया कि हमें चुनाव लड़ना, नहीं तो हमें घुमा डालेंगे, क्योंकि इनकी कोई ऐसा स्पष्ट नहीं कर पा रहे थे किस सीट से हमें लड़ना है, किस सीट से आपको लड़ना है, एक भी सूची इन्होंने नहीं दिया। तो मजबूर बहन कुमारी मायावती जी ने इस बात को काम किया, इन्होंने अपनी डिबेट देते रहे कि इनको लड़ा रहे, इनको लड़ाते हैं, इनकी मर्जी सूची आती रही, ये बात कोई समझ में नहीं है तब जी, इसलिए बहन जी ने इस बात को छोड़ करके हम किसी के साथ समझौता नहीं करेंगे। अब जब हमारा किसी के साथ समझौता नहीं, हम स्पष्ट कैंडिडेट को दिया, दमन कैंडिडेट है, कोई ऐसी सीट नहीं जिससे हम जीत नहीं सकते। आप रीवा के बारे में बता दूं, खासतौर पे सिटी है यह इलेक्शन, जहां कहते हैं कि भाजपा हमेशा जीतती थी, दमन लोग जीतते थे, लेकिन हालात इस बात के ये है
कि भारतीय जनता पार्टी का जो जनाजा है इधर से जाने वाला है, अब कांग्रेस बीच में आई तो अभय मिश्रा तो बड़ी बुरी तरह से फंस गए, क्योंकि यहाँ की जो हालात है, जो बहुजन समाज पार्टी की वोट है, जो दलितों की वोट 36,000 वोट है, लेकिन बहुत कम बताया जा रहा, 36,000 बसपा की वोट दलितों की है, और खासतौर पे जो मुस्लिम समाज है यहाँ पर 32,900 वोट है, लेकिन कम दिखाया जा रहा था। तो ये तो बहुत छल की बात है, लेकिन फिर भी ये आप मान के चले बहुजन समाज पार्टी का जो 36,000 वोट है 38,000 गिरी हालत में गिरेगा, इनकी वोट को कोई टस से मस नहीं कर सकता। और जो मुस्लिम समाज का है, चाहे जितना माने, चाहे जितना खिला पिला दे, मुस्लिम समाज बहुत होशियार समाज है, वो अगर वो कहीं करेगा तो बहुजन समाज पार्टी का पूरा वोट करेगा, मास वोट यहाँ गिरेगी, और इसकी वोट कोई ना भाजपा ना कांग्रेस कोई लेने वाले नहीं है। और ये तो हार अभय मिश्रा जी की वैसे हो गई। और जो जनता नाराज है, एंटी इनकमेंसी, वो कहती है कि जब हम भारतीय जनता पार्टी के मंत्री को जब हटा रहे हैं वही रास्ता ये आ जाएगा, ना उनको देना चाहती तो देगी कहाँ, बसपा के अलावा कोई उनके पास रास्ता नहीं है, पहले भी हमसे कंड रहे हैं। जनता समझती है कि बहुजन समाज पार्टी को वोट कर देंगे तो ये विधायक हो जाएंगे, और क्योंकि उनके यहाँ भी बड़ी तेजी से फूट है, और वो फूट को हम आप समझ रहे हैं मानी जी, वो फूट उनको भरपाई करने वाली नहीं है, वो सिर्फ कांग्रेस ढांचा पे खड़ी है। ये थे हमारे साथ डॉक्टर रामशंकर जी, जिनका साफ तौर से कहना था कि हमारे बगैर सरकार इस बार नहीं बन सकती, विकास के तमाम दावे होने के बाद भी अंत में यहाँ पर चुनाव होता है जातिगत समीकरण पर, इसलिए हमारी सरकार बन रही है और हम चुनाव जीतने जा रहे हैं। रीवा दर्शन के लिए मैं जावेद अंसारी।